तुम्हें पता है जब हमने लास्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था तब क्या हुआ था? नहीं पता ना, तो तुमने मतलब वो वाला एपिसोड नहीं देखा है, तो जाओ जाके देखो, ऊपर लिखा आ रहेगा। तो मैं बता देता हूँ पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। एक्चुअली हमें मिला था एक ट्रेजर मैप, और उस ट्रेजर मैप को ढूंढते 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 हम पहुंचे थे एक माइनशाफ्ट में, और वो माइनशाफ्ट को हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया और हमें मिला वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, और वो ट्रेजर मैप घूम गया। हाँ वो घूम गया। हमको उस माइनशाफ्ट से बाहर निकलना है और एक बेड का इंतजाम करना है। तो चलो बिना किसी रुक टोक के स्टूडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड मैंने पूरा कर लिया, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता ये चल रहा है कि मेरा वेबकैम चालू नहीं था, तो मेरे को बाद में फिर अभी ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सह लो तुमने भी थोड़ा सा, अब मेरी एक गलती मेरे को बाहर ही पड़ गई, लेकिन फिर भी जो भी ऐसा कुछ चढ़ने की बात नहीं, हम ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लोग को हुआ क्या था। तो हुआ ये, पूरे वीडियो में मैं जब नीचे था, मेरे को बेड बनाना था, तो मैंने बहुत सारे स्पाइडर वेब्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, जितने भी मकड़े के जाले थे सबको तोड़ा ढूंढ ढूंढ के केव में, और सब ढूंढने के बाद मैंने बनाया अपनी एक बेड। और बेड बनाने के बाद हम निकल पड़े ऊपर की तरफ से, मैं बाहर आ गई केव से, ठीक है, जो मैंने छोड़ा था माइनशाफ्ट में, था जो मैं जिस माइनशाफ्ट में, उस माइनशाफ्ट में से मैं बाहर तो निकल गया MLG वाटर बकेट ट्रिक करके, वाटर बकेट MLG करके तो आ गया मैं ऊपर। लेकिन आने के बाद जो दिक्कतें आई हमारे सामने, पूछे मत लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं पूरा ढूंढ रहा था, पूरी जगह ढूंढा मैंने, बहुत सारी जगह ढूंढा, मेरे को वो जगह मिली जब मैं अपना घर बना सकूँ। और देखो मेरे को अपना घर जो है ना एकदम बड़ा बनाना था, तो बड़ा घर बनाने के लिए हमको बड़ी जगह चाहिए, और एकदम प्लेन सपाट जगह चाहिए। देखो मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मेरे को पसंद नहीं कि वो मैं काट वपीट करूँ, बाद में चाहिए तो अपन कर लेंगे काट वपीटी, लेकिन अभी के लिए वीडियो को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए हमको एक अच्छा जगह तो ढूंढना था। तो मैंने एक अच्छी सी जगह ढूंढी, लेकिन अच्छी जगह ढूंढने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ पे भी एक गड्ढा था, तो उस गड्ढे को हमने पूरा पैक कर दिया, सील कर दिया उस गड्ढे को अच्छी तरीके से, और फिर हम एक छोटा सा घर बनाया रहने के लिए, ताकि अगर बाई चांस अगर कोई मेरे को मार के चले गया तो खत्म, फिर से मेरे को जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा घर बनाया, वहाँ पे अपना बेड और सामान सब रखने के बाद मैंने एक बनाया, बोले तो कोबल स्टोन जनरेटर। हाँ पहले कोबल स्टोन जनरेटर बनाना जरूरी था, क्योंकि कोबल स्टोन ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं अपना घर कैसे बनाऊँ। तो कोबल स्टोन को जनरेटर बनाने के बाद हमने स्टार्ट किया अपने घर को बनाना, और घर बनाना मुश्किल था। पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया मैंने, और मतलब कैसे बनाना है क्या बनाना है, बहुत टाइम लग गया है उसको, लिटरली बहुत टाइम लग गया। इतना ईजी नहीं है वो करना, वो सब ये टाइम लगता है वो सब करने में तो वो सब करने में टाइम लग गया थोड़ा बहुत। और मैं जब भी घर बना रहा था ना, तो मैं बहुत एक बार मरा भी फिर कोई बात नहीं, मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था तो मैं बच गया। हाँ मैं थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी का यूज़ किया ये घर बनाने के टाइम, ठीक है, तो घर बना के हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया मैंने, ऊपर से अपना घर का सीलिंग जो था वो बनाया, वो मैंने बना दिया। और वो बनते साथ अभी तक तो हमारा घर एकदम अच्छा दिख रहा था, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था लेकिन था, अच्छा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया अंदर की डिज़ाइन चालू करा मैंने, मतलब अंदर कैसा बनाना है क्या बनाना है सब मैंने डिसाइड कर लिया, और सबको मैं बनाने लग गया, एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था सबका तक तो, ठीक है। अब तक तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, दिक्कतें तो अब ठीक है, दिक्कतें तो अब आएगी, क्योंकि अंदर का काम करने में मैंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा था, जैसा मेरे को बनाना था वैसा हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले फ्लोरिंग का काम करते, तो फ्लोरिंग पे मैंने ओकलॉक लगा दी, ठीक है, और फिर क्या उसमें बहुत सारे कमरे चाहिए थे, लाइक मैं चाहता हूँ एक कोबल स्टोन जनरेटर का कमरा दूँ मैं, मेरे पास एक बेडरूम होना चाहिए, मेरे पास एक चेस्ट रूम होना चाहिए, एक शेल्फ बुक शेल्फ भी होना चाहिए ना, बुक शेल्फ एंटरटेनमेंट टेबल आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट किया मैंने तुमको, मैं बता नहीं सकता, लाइक मैं जब खेल रहा था ना बहुत सारी चीज़ें मैंने अपडेट की, नई नई चीज़ें मैं ढूंढता गया। और अभी अभी एक नेदर पोर्टल नहीं बनाया, अभी भी डायमंड ढूंढा नहीं है मैंने, डायमंड बहुत यूज करी ढूंढने में, लेकिन डायमंड मिला ही नहीं मेरे को, मैं क्या करूँ, डायमंड तो
मैंने यहाँ पे रूम बनाया है, आगे बताऊंगा जब मैं रूम टूर का बताऊंगा, ठीक है? अभी तो बन रही है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें की यार, मैं लाइक लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग गया मेरे को ये बनाते बनाते। लाइक तुम लोग को लग रहा रहेगा कि वीडियो में एक दो चार पाँच 14-15 मिनट में बनाया, लेकिन वो बना है वो भाई टाइम लगा है वो करने में, क्योंकि आसान नहीं था वो चीज़ें करना। ठीक है, टूर करवाता हूँ मतलब सेटअप घर का टूर करवाता हूँ मैं तुम लोग को, मैंने कैसे बनाया क्या बनाया। ठीक है, तो देखो 3-2-1 क्या तुम लोग तैयार हो मेरा घर देखने? अभी मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें मेरा घर। 3-2-1 ये मेरा घर है, छोटा दिख रहेगा, मैं बताता हूँ तुम लोग को अंदर लेके जाके। देखो अगर मैं तुम लोग को यहाँ से लेके जाके बताऊँ तो देखो यहाँ से हमारा एंट्रेंस, वैसे मैंने बताया मैंने कि ये मैंने क्रिएटिविटी में बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पता हो। बाद में कमेंट में लिखना मत कि तूने भाई चीटिंग की है, तूने क्रिएटिविटी में बनाया है और हमको बताया नहीं, तो पहले बता दे रहा हूँ मैं कि क्रिएटिविटी में है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अपनी खुद से मेहनत खुद की लगन से बनाया है, बहुत टाइम लग गया इसमें। जो ये दिख रहे तुम लोग को ये क्रिएटिव का है, ठीक है? लाइट्स जो भी अंदर लाइट्स जितने भी है सारे क्रिएटिव के, मतलब ऐसे वाले, ठीक है? ये जो लाइट देख रहे हैं ना सब अंदर भी लगी हुई है ऐसी लाइट, तो ये क्रिएटिव का कमाल है, ये क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव से लेके मैंने बनाया है। ओके, और मैं तुम लोग को अंदर लेके चलता हूँ। देखो अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो ये देखो, ये भी क्रिएटिव का कमाल है, ठीक है? जो नीचे ये भी क्रिएटिव का कमाल है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने क्रिएटिव बनाई, और तुम लोग यहाँ पे आके देखोगे तो ये सब मेरा ओरिजिनल सामान है, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा ये क्रिएटिव का है, ठीक है? ये कोबल स्टोन जो है ये क्रिएटिव का नहीं है, ठीक है? मैंने बनाया है, और इसमें से थोड़े बहुत कोबल स्टोन जो ऊपर सीलिंग पे लगे वो क्रिएटिव वाले, बाकी ये तो भाई तोड़ तोड़ के बनाया है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि तुम लोग, यहाँ पे चेस्ट रूम है मेरा, ठीक है? ये चेस्ट रूम है, और चेस्ट रूम के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे बैरल्स वगैरह लगे हुए है जो कि अच्छे, ठीक है? ये जो दिख रहे तुम लोग जमीन की कारीगरी, ये सब ज़ियान का कमाल है, उसने ही बताया है मेरे को ये सब, और उसने ही किया ये आधा काम। ओके, तो तुम लोग को मैं लेके चलता हूँ एक बहुत बहुत सीक्रेट चीज़, तो तुम लोग को मैंने अब तक बताई नहीं है। यहाँ से ऊपर लेके चलूँगा ना मैं तुम लोग को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ भाई, ये चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगा यार, मतलब लाइक तुम लोग देख सकते हो नीचे जो सील एंट्रेंस है ये सब क्रिएटिव का कमाल है। और ये पानी भाई, ये पानी साहब, भाई साहब ये क्या बोलूँ मैं, स्विमिंग पूल का मतलब बन ही नहीं रहा था सच्ची में, बन रहा नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है इसको, और सॉरी थोड़ा माफ़ी चाहूँगा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है? चलेगा। और मैं तुम लोग को जैसा बोल रहा था, यहाँ पे है हमारा सोफ़ा, और यहाँ पे है अपना टीवी, यहाँ पे से मैं टीवी देखूँगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रोज़ रात खाते खाते इस टेबल पे। ओके, ये क्या चीज़ है भाई? अब उनको भी नहीं पता, ध्यान ने लगाया वो सब चीज़ें, तो अपने को इतना कुछ पता नहीं है, बस पता है कि यहाँ से आना है, यहाँ से सारी चीज़ मिलेगी, यहाँ पे रास्ता नहीं है, ठीक है? इतना ही चीज़ है बस, यहाँ पे इतना ही, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे रास्ता है चलने का, टहलने का रास्ता। ओके, तो और भी चीज़ें बताते हैं अपन तुम लोग को, और चीज़ें बताता हूँ मैं मेरे घर में और क्या चीज़ें हैं, मेरे को खुद नहीं पता एक्चुअली। ओके, हाँ, तो ये है अपना कोबल स्टोन जनरेटर रूम मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको यहाँ पे बांध दिया है, ठीक है? ताकि मैं ऐसे पहले यहाँ से आके आग में जलने का है। देखो मैं बताता तुम लोग को, यहाँ से ना आएंगे आग में ऐसा, अरे भाई ऐसा मर जाएंगे।